हेलो एवरीवन, आप कैसे हैं? आई होप आप अच्छे ही होंगे। आज हम बताने जा रहे हैं आप लोगों को भुंजिया कुंदरू की सब्जी तरीके से। ये मेरे कुंदरू हैं, ये मैंने वॉश करके रख लिए हैं, थोड़े कट भी कर लिए हैं। ये देखो, अब हम ऐसे काटेंगे इनको, ऐसे से इसके ये निकाल के रख देंगे, डाल देंगे इधर ऐसे 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 इसका निकाल देंगे इधर का और इधर का। इसको भी ऐसे कट कर देंगे ऐसे ऐसे। और एक आलू डालेंगे इसमें ऐसे। एक मैंने आलू लिया है और इसको कट करेंगे ऐसे ऐसे। चाहे आप ऐसे पतले पतले कट कर दीजिए। ऐसे अब कुंदरू और आलू एक में बनाएंगे भुजिया सब्जी। अब मैंने कढ़ाई रख दिया है, इसमें थोड़ा सा ऑयल डाले हैं और ये ऑयल गरम होने तक इंतज़ार करते हैं। अब ऑयल मेरा गरम हो गया है, अब हम डालते हैं ऑनियन। ऑनियन मैंने बड़े पीसों में कट किया है, इसे सब्जी में और मज़ेदार। अब हम डाल रहे हैं हरी मिर्च कटी हुई। एक स्पून डालते हैं हल्दी पाउडर, एक स्पून डालते हैं धनिया पाउडर, अब इसमें एक में मिक्स करेंगे ऐसे ऐसे। अब इसमें डालते हैं टमाटर, इसको भी ऐसे ऐसे मिक्स करते हैं। अब मेरा मसाला रेडी है, अब डालते हैं कुंदरू। अब इसी में डाल देते हैं सरसों। अब हम 10 मिनट के लिए भूनेंगे इसे। 10 मिनट हो गए हैं भूनते भूनते इसको। अब इसमें डालते हैं अपने टेस्ट के अनुसार नमक। एक स्पून इसमें डालते हैं एक स्पून गरम मसाला। थोड़ा और डाल देंगे। अब इसको हम भूनते हैं फिर 10 मिनट के लिए। अब
अब इसको हम उबल लिए हैं, अब इसको ढक देते हैं, इसमें पानी वानी नहीं डालेंगे, ऐसे ही इसको पकाएंगे, क्योंकि भुजिया सब्जी भी मेरी कुंदरू भुजिया कुंदरू की सब्जी बनके रेडी है। आप लोगों को अगर अच्छी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताना और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।